हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ना। चलो, पिछले क्लास हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे कर सकते हैं, अगर रूट गिवन है दो टाइप से, अदर फैक्टर फॉर्म में और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में। क्लियर? तो पहले एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन 3 to the power 2x² -2 into 3 to the power x² +x+6 +3 to the power 2 into x+6 = 0। फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन 3 to the power 2x² -2 into 3 to the power x² + x+6 +3 to the power 2 into x+6 = 0। ऑप्शन है 1, 2, 3, none of these, 1, 2, 3, none of these। क्या निकालना है? इस इक्वेशन का जो रूट्स है उसका सम, सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हो गया? कैसे करेंगे कुछ समझ में आ रहा है? देखो, अभी क्या है, अभी डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या यूज करेंगे? आप लोग को ये पता है ना कि a^m होल टू द पावर n क्या होता है, a^m (n) या इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये रिवर्सिबल है कि नहीं है? a^m(n) को लिखेंगे आइदर a^m होल टू द पावर n और a^m होल टू द पावर m, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा a^m(n). क्लियर है ना? देखो, 2 into से क्या बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। देखो, इसको क्या लिखेंगे, 3 to the power x 2x² क्या लिखेंगे, x² का स्क्वायर। बोलो, कोई डाउट है क्या? लिख सकते हैं 3 to the power x² का स्क्वायर -2 into, ये भी बनाना है, जैसे कर दो 3 to the power x² into 3 to the power x+6। बोलो, कोई डाउट है क्या? पक्का ना? इसको क्या लिखे, 3 to the power x² into 3 to the power x+6 a^m+n = a^m (n). ये सब आप लोगों को पहले से पता है, प्लस तब इसको क्या लिख देंगे, 3 to the power x+6 होल स्क्वायर। बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो क्या बन गया, a² - 2ab+b² = 0। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या बन गया, किसका फॉर्मूला है, a - b होल स्क्वायर = 0। ये कब पॉसिबल है, जब 3 to the power x² = 3 to the power x+6 हो जाए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दो नंबर इक्वल है, अगर ऐसा लिखा हुआ है a^m = b^n, दो केस, आइदर क्या हो जाए, पावर 0 हो जाए और क्या हो जाए, बेस सेम रहने पे पावर इक्वल हो जाए। क्लियर ना? देखो, आइदर क्या होगा, x² 0 x+6 0 और बे दोनों का सेम है, दोनों पावर क्या हो जाए, सेम। क्या लिखेंगे, आइदर x² = 0 एंड x+6 = 0 और x² = x+6। बोलो, ये एक साथ 0 होगा क्या? नहीं होगा ना? ये x = -6 पे 0 होगा, ये x = 0 पे 0 होगा, दोनों में कॉमन नहीं है। क्या लिखा हुआ, एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन, दोनों एक साथ होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, एक साथ दोनों 0 नहीं होगा, सिर्फ बचा क्या ऑप्शन x² = x+6 का,
क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। निकालना क्या है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक है, एक्स का दो वैल्यू आया वन। क्लियर है ना, अगर एक्स निकालना होगा तो एक्स भी निकाल सकते हैं। किस वैल्यू के लिए इक्वेशन सॉल्वेबल है, इसका रूट क्या क्या है। क्लियर, कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ सकता है। क्लियर ना, चलो अब नेक्स्ट रिंग डाल दो, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर इन द सेंस हम क्या बोलेंगे, नेचर मीन्स अगर पूछेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलेंगे। देखो नेचर मतलब हुआ कि उसका रियल रूट है कि इमेजिनरी रूट है, रियल रूट है डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, ये सब क्या बोलेंगे, इसका रूट का नेचर है। अब ये निकालना है, रूट रेशनल है, इरेशनल है, इंटीग्रल है एंड सो ऑन, इसको क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। बोलो क्लियर ना, टर्म्स है नेचर ऑफ रूट्स में लिखो। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक का ये डेफिनेशन है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, क्या निकला था, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू है। बोला है तो किसी का डाउट नहीं ना। अब इस पे नेचर निकालना है, नेचर क्या होगा, नेचर मतलब रियल डिस्टिंक्ट इमेजिनरी ये सब। क्लियर ना, देखो ए बी सी रियल है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या लिखेंगे, ये रियल होगा कि नहीं होगा, पक्का ना। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे हमेशा क्या होगा, रियल। ए नॉट इक्वल टू जीरो तो टू ए क्या होगा, रियल होगा, डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए माइनस रूट डी बाय टू ए। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि रियल है बी और ए रियल है, ए नॉन जीरो है, तो ये भी कुछ ही पुट कर दो हमेशा रियल होगा। क्लियर है ना, डिनोमिनेटर हमेशा रियल होगा, सारा कुछ किस पे अब डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट डी वाई साहब पे, कि ये रियल करवाएंगे, इरेशनल करवाएंगे, रेशनल करवाएंगे, इमेजिनरी करवाएंगे, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, ये जो करेंगे हो जाएगा। अब इसी पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, फर्स्ट केस बोलो, अगर लेते हैं डी ग्रेटर देन जीरो, अब लिखना स्टार्ट कर दो, डी ग्रेटर जीरो पे क्या होगा, ये रियल हो जाएगा, अंडर रूट में पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होता है, रियल। और इसमें देखो एक बार ऐड कर रहे हैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्योंकि ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, तो कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम होगा नहीं, मतलब क्या होगा, अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट होगा, क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कब, डी ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड केस क्या लेंगे, डी इक्वल टू जीरो, क्या जाएगा, ये बच गया माइनस बी बाई टू, ये बच गया माइनस बी बाई टू, क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर थर्ड क्या ले लेंगे, डी निगेटिव, डी निगेटिव में क्या जाएगा, अंडर रूट का टर्म निगेटिव, तो निगेटिव कभी रियल नंबर नहीं होता है, मतलब इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर आ गया, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, और एक टर्म होता है कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर क्या होता है, अगर इमेजिनरी नंबर है तो ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी को बोलते हैं दोनों एक दूसरे का कंजुगेट, तो डेफिनेशन ये बोलते हैं कि इमेजिनरी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, रियल आ जाए। जनरली क्या करते हैं, आई का मतलब भी आप लोग ध्यान रख लो, बहुत जगह यूज हो सकता है, आई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन, बस ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट माइनस वन आयोटा होता है जिसको आई से डिनोट करते हैं, वे एक इमेजिनरी नंबर है। क्लियर ना,
ए प्लस आई बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल हो जाएगा। तो हमेशा देखो ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर देखो कितना है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और भी रियल नंबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज क्या आएगा रियल। तो क्या बोलेंगे ए प्लस आई बी का कंजुगेट होगा ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी का कंजुगेट ए प्लस आई बी। देखो ये दोनों कंजुगेट बनेगा कि नहीं, अगर डी निगेटिव होगा तो, एक लिखा हुआ ए प्लस आई का टर्म आएगा क्योंकि डी निगेटिव है, दूसरा बन जाएगा सेम थिंग माइनस आई का टर्म है निगेटिव, तो सारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा। क्या बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड इन कंजुगेट, पर पहले इतना लिखो फिर आगे देखते हैं। और कुछ पॉइंट है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, इफ डी ग्रेटर देन जीरो क्या हो जाएगा, ये रियल समझा चुके हैं, इफ डी ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ डी ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ डी ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों क्या हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए, इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे, अगर डी इक्वल टू जीरो है क्वालिटी को क्या करेंगे लीनियर के स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट क्या हो गया माइनस बी बाई टू ए, लिखेंगे एक्स माइनस माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, बोलो ये लिखेंगे क्या, क्या हो गया क्वाड्रेटिक को लीनियर बना एक्स माइनस अल्फा, एक लीनियर है लीनियर के स्क्वायर के टर्म में, कोई बोलेगा इस क्वाड्रेटिक को लीनियर के स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसका इक्वल रूट है, ब्रैकेट में लिख लो, देन इफ डी इक्वल जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ लीनियर एंड इट इज एक्सप्रेस्ड या इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म स्क्वायर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन या स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे क्या लिखेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इस कॉम्बिनेशन में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्या हो गया ए एक्स प्लस बी हो गया। तो अगर टी इक्वल टू जीरो है तो लीनियर कॉम्बिनेशन के स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन में रहेगा कि इस क्वाड्रेटिक को लीनियर के स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या लिखेंगे डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। थर्ड केस, इफ डी लेस देन जीरो, इफ डी लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड इन कंजुगेट पेयर, इफ डी लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट हमेशा दो ही होगा, दोनों रूट क्या होगा इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड इन कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर मतलब समझ में आ गया कि एक है ए प्लस आई बी, दूसरा क्या होगा ए माइनस आई बी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज होगा, रूट्स आर इमेजिनरी एंड इन कंजुगेट पेयर, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रैशनल, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रैशनल, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रैशनल एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रैशनल एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आप लोग जल्दी से बताओ क्या होगा रूट, बोलो ए बी सी रेशनल है तो माइनस बी बाई टू ए को रेशनल बोल सकते हैं कि नहीं, दो रेशनल का डिवीजन है और डिनोमिनेटर क्या है नॉन जीरो रेशनल है, तो बोलो बोल सकते हैं ना, ये क्या हो गया रेशनल हुआ ना, और डी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलो क्या ये इंटीजर आएगा क्या,
और ये रेशनल है क्या? इंटीजर अब रेशनल फिर से रेशनल होगा कि नहीं होगा? आप लोग जल्दी से सोचो कि क्या हो गया दोनों टर्म रेशनल। रेशनल प्लस रेशनल भी क्या होगा? रेशनल। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? टी परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट डी बाय टू ए रेशनल होगा। ए बी सी रेशनल है तो माइनस बी बाय टू ए रेशनल होगा। और दो रेशनल का सम क्या होगा? रेशनल। तो इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रेशनल एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल। देन रूट्स आर रेशनल। रूट्स आर रेशनल होगा कि नहीं होगा? रूट्स आर रेशनल। रेशनल कनेक्ट करते हैं कैपिटल क्यू से। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रेशनल। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रेशनल एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रेशनल एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जल्दी सोच के बताओ क्या होगा? रेशनल है मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब ये कभी रेशनल नहीं होगा। क्या बनेगा? अंडर रूट डी ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल बाय नॉन जीरो रेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल। रेशनल में नॉन जीरो इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्या लिखेंगे? रूट्स आर इरेशनल। और इसको क्या बोलते हैं? ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी। आप लोग को पता है इसमें इरेशनल के केस में इसको बोलते हैं कंजुगेट मतलब इरेशनल पार्ट का साइन चेंज। देन रूट्स आर इरेशनल एंड इन कंजुगेट पेयर। रूट्स आर इरेशनल एंड इन कंजुगेट पेयर। रूट्स आर इरेशनल एंड इन कंजुगेट पेयर। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट। इफ एज इक्वल टू वन। इफ एज इक्वल टू वन बी कॉमा सी बिलोंग टू जेड। जेड फॉर इंटीजर। इफ एज इक्वल टू वन बी कॉमा सी बिलोंग टू इंटीजर एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ एज इक्वल टू वन बी कॉमा सी बिलोंग टू इंटीजर एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में रूट क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर होगा। या कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। इसको जनरलाइज थोड़ा करना टफ है तो इसको आप एग्जांपल से दे सकते हो। हमेशा ये होता है या जनरलाइज करोगे तो आ जाएगा लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ क्या लिखा है? एज इक्वल टू वन बी कॉमा सी बिलोंग टू इंटीजर एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स विल बी इंटीग्रल। देन रूट्स विल बी इंटीग्रल। रूट्स विल बी इंटीग्रल। एक और पॉइंट लिख लो सिर्फ उसको ध्यान रखना है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू ऑड इंटीजर। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू ऑड इंटीजर देन रूट्स कांट बी रेशनल। देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कांट बी रेशनल। देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कांट बी रेशनल। ये सब इसका कंट्राडिक्शन लेके प्रूव किया जाता है बट उसका कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू ऑड इंटीजर। किसी भी क्वालिटी का तीनों कॉएफिशिएंट ऑड इंटीजर है तो उस क्वालिटी का रूट कभी भी रेशनल नहीं होगा। आइदर इरेशनल होगा और इमेजिनरी होगा। देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कॉन्ट बी रेशनल। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कॉन्ट बी रेशनल। क्लियर? चलो अब छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं तो तुरंत बताना है। नेचर बताना है। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ऐसा ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे जस्ट एक दे रहे हैं। आप लोग ये 10th में पढ़ चुके हो। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका बताना है नेचर ऑफ रूट्स। जल्दी बोलो नेचर ऑफ रूट्स। अरे हो गया क्या? क्या होगा? डी। डी
बी स्क्वायर मतलब 3 - 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 8, 9 - 8 क्या है ग्रेटर देन 0। क्या बोलेंगे डी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर ना? नेचर निकालने के लिए होम असाइनमेंट आप लोग को मिलेगा, इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे, ये सब आप लोग कर ही लोगे। डी निकालना है, ग्रेटर देन मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी, ये सब आप लोग निकाल सकते हो, तो जितना पॉइंट लिख पाए उसको देखते हैं। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन 2a - 5 × x² - 2 × a - 1 × x, 2 × a - 1 × x +3 = 0, रूट्स ऑफ इक्वेशन 2a - 5 × x² -2 × a - 1 × x +3 = 0 आर इक्वल। ऑप्शन है 2 4 6 8, 2 4 6 8, जल्दी करो 2 4 6 8, 2 4 6 8। अरे हो गया पक्का ना? बोलो कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है, क्या है रूट्स आर इक्वल, क्या करेंगे बोलो, सिंपली d = 0। बोलो कोई डाउट है क्या? इसका d देखो क्या होगा, और एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना है कि रूट्स आर इक्वल मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखेंगे, कोसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल जीरो, ये ध्यान रखना है। क्या लिखना पड़ेगा, ए नॉट इक्वल टू 5/2। ये है ना, अगर ये आंसर आया तो उसको एलिमिनेट करके हटा देना है। रूट्स लिखा हुआ कहीं भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ, तो क्वाड्रेटिक का सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू, नहीं तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना है। अब देखो डी क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 a - 1 का स्क्वायर -4ac, 2a - 5 × 3 = 0, 4 4 कैंसिल आउट, क्या बन गया a² - 2a + 1 -6a - +15 = 0, ये बन गया a² - 8a + 16 = 0, a - 4 होल स्क्वायर = 0, a = 4। तो आंसर क्या आ गया, a = 4। किसी को समस्या नहीं है, नहीं होना चाहिए, पक्का ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एक्सप्रेशन kx², फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एक्सप्रेशन kx² प्लस k+1 × x और विद द एक्सप्रेशन kx² k + 1 × x + 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर? ऑप्शन है, कोई ऑप्शन लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ
परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। हो गया पक्का? देखो क्या करेंगे, पहले बताए थे ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कब होगा जब k नॉट इक्वल टू 0, मस्ट बी क्वाड्रेटिक होना पड़ेगा क्योंकि लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, k नॉट इक्वल टू 0 अगर आंसर आ रहा, जिसको नहीं लेना है, क्लियर ना? अगर k 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं तो लीनियर का स्क्वायर होगा कैसे, लीनियर का स्क्वायर होगा ही नहीं, पक्का ना? चलो अब क्या करेंगे, लीनियर का स्क्वायर कब होगा, जब लिखेंगे d इक्वल टू 0। देखो d क्या हो जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 1 इक्वल टू 0, क्लियर ना? क्या बन गया, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, क्लियर ना? आंसर क्या हो गया, k इज इक्वल टू 1। जस्ट लैंग्वेज को देखना है क्वेश्चन में क्या है, सिंपली कुछ ज्यादा करना नहीं होता। लीनियर एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर है मतलब d इक्वल टू 0, क्लियर ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, For the equation x square plus 2x minus n, n belongs to natural number, for the equation x square minus 2x, sorry, x square plus 2x minus 1, n belong is equal to 0, n belongs to natural number, n belongs to open interval 1 to 50, n belongs to open interval 1 to 50, find the number of values of n, find the number of values of n for which equations have integral roots, equation has integral roots. Option A 2, 4, 6, 8. Find the number of values of n for which equation has integral roots. आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल चीज है। अरे हो गया पक्का? बोलो कैसे करेंगे? इंटीग्रल रूट का एक ही तो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसमें देखो सारा कोफिशियंट क्या है, इंटीजर है और ए क्या है, वन है। तो इंटीग्रल रूट कब होगा, जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, डी निकाल लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, बोलिए डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं ना? 4 प्लस 4n, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और n स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 ओपन 50 ओपन, मतलब n 2 से लेके 49 तक इंटीजर पुट कर सकते हैं, क्लियर ना? अब बोलो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, n तो 0 पुट करेंगे नहीं, तो और क्या कर सकते हैं, ये पूरा क्या हो जाए, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 1 प्लस n, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, सिर्फ ये क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, ये सिंपल है, इससे कर सकते हैं। ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर ऑलरेडी है, ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या, n 2 से स्टार्ट करेंगे, देखो परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा, जब ये क्या क्या बन जाए, 4, 9, 16, 25, 36, 49, वो लोग का डाउट है,
एन का वैल्यू देखो क्या क्या आ जाएगा, 3, 8, 15, 24, 35, 48, एन के ये सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैल्यू कितना हो गया, 6। ये 6 वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे किए, तो डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, डी लिखा हुआ 4 × 1 + n, तो 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 + n परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और 1 से 50 के बीच परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, 4, 9, 16 जो है सारा लिख दिए, तो आंसर क्या हो गया, 6 आ गया। और n का वैल्यू क्या आ गया, ये सारा n के लिए क्या होगा, इसका d परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब ये इसका इंटीग्रल रूप हो जाएगा। क्लियर ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 + i, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 + i, क्या है, 3 + i, एंड कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, एंड कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी करो। ऑप्शन क्या है, रियल नंबर है, एक रूट है, 3 + i हो गया। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट रियल है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो दो चीज है, इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर में कब होगा, जब सारा कोफिशिएंट रेशनल हो, लिखवाए हैं ए बी सी रेशनल एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ए बी सी को रेशनल होना पड़ेगा। अगर एबीसी में कोई भी एक इरेशनल हो गया तो जरूरी नहीं है उसका दोनों रूट इरेशनल होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक रेशनल एक इरेशनल। लाइक एग्जांपल ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 + √2 × x और +√2 इज इक्वल टू 0। बोलो इसका रूट क्या है, एक है 1 एक है √2। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है इसका एक रूट रेशनल हो एक रूट इरेशनल हो, जरूरी नहीं है कि दोनों रूट इरेशनल ही होगा एक साथ और कंजुगेट पेयर होगा। क्या कंडीशन है, कब इरेशनल और कंजुगेट पेयर होगा, जब ए बी सी तीनों रेशनल हो। अगर ए बी सी रेशनल होगा तब क्या बोलेंगे, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो बोथ रूट इरेशनल एंड इन कंजुगेट पेयर, या एक रूट इरेशनल है और कोफिशिएंट्स आर रेशनल है तो उस केस में क्या बोलेंगे, सेकेंड रूट मस्ट बी इरेशनल एंड इन कंजुगेट पेयर। क्लियर ना, इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए, सारा कोफिशिएंट रेशनल। इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर में कब होगा, जब सारा कोफिशिएंट रियल होगा। अगर एबीसी में कोई भी एक इमेजिनरी नंबर आ गया, ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसका कोफिशिएंट सारा रियल नहीं हो, उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट रियल सेकेंड रूट इमेजिनरी, या बोथ रूट इमेजिनरी बट नॉट इन कंजुगेट पेयर। इमेजिनरी कंजुगेट पेयर में कब होगा, जब रूट इक्वेशन का सारा कोएफिशिएंट रियल होगा, और इरेशनल कंजुगेट पेयर में कब होगा, जब सारा कोएफिशिएंट रेशनल होगा। क्लियर ना, ये ध्यान रखना। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, सारा कोफिशिएंट रियल है एंड एक रूट इमेजिनरी है, क्या बोलेंगे, रूट सेकेंड रूट मस्ट बी कंजुगेट ऑफ दिस, सेकेंड रूट क्या हो जाएगा 3 - i। इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 3 + i प्लस 3 - i इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -6x + 9 + 1 = 10 = 0। बोलो क्लियर है, पक्का ना, पक्का क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, 9 - i² - i² क्या होता है +1 9 + 1 10। रिक्वायर्ड इक्वेशन x² - 6x + 10।
ये दोनों चीज ध्यान रखना है। इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर में होने के लिए कॉफिशियंट रेशनल, इमेजिनरी रूट को कंजुगेट पेयर में होने के लिए कॉफिशियंट रियल। क्लियर ना? चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछले क्लास में दिए थे आप लोग पता नहीं वीडियो कंप्लीट किए हो कि नहीं किए हो, अगर कर लिए होगे तो ये क्वेश्चन तुरंत सबका हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नोट करो, देखो इफ एक्स इज इक्वल टू 2 1 प्लस 2 y, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 y, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। 3 5 7 नन ऑफ दीज, 3 5 7 नन ऑफ दीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। ऑप्शन 3 5 7 नन ऑफ दीज, 3 5 7 नन ऑफ दीज। अरे हो गया, कैसे करेंगे बोलो? पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताए थे ना इरेशनल के लिए, इसका रूट क्या था, 2 प्लस रूट ऐसा कुछ था, बाय क्वाड्रेटिक का वैल्यू निकालना था, याद है कुछ? इसमें क्या करते थे, उसमें बोले भी थे अगर इमेजिनरी होगा तो रियल नंबर को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, इरेशनल होगा तो रेशनल वाले को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 y, वो लिखे थे। फिर क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 into i स्क्वायर। देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बोलो कोई डाउट है क्या? अब इसका यूज करेंगे, इसका वैल्यू 0 है, फिर क्या करते हैं बोलो, डिवाइड, जो नया इक्वेशन लाते हैं उससे जो रिक्वायर्ड थिंग निकालना है उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा आंसर होगा। ये आप लोग को पिछले क्लास में समझाया जा चुका है, लोग को डाउट है? जैसे डिवाइड कर लो आप लोग, पहले एक्स से मल्टीप्लाई किए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, कैलकुलेशन देखते रहना, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 22, तो +3 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15। क्लियर ना? अगर एक्स का टर्म बचता तो बाद में एक्स का वैल्यू क्या पुट कर देते, 1 प्लस 2 y, लेकिन यहाँ क्या है, बाय चांस एक्स भी कैंसिल आउट हो गया। देखो कितना बचा, 22 माइनस 15 7 ना, तो देखो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, बट फिर से अभी लिख के दिखा रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे 7। इस इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 into x प्लस 3 प्लस 7, बोलो आया है कि नहीं आया है? और इसका वैल्यू क्या है, 0, ये टर्म क्या हो गया, 0, तो आंसर क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, आंसर क्या है, 7। बोलो कोई डाउट? हमेशा ध्यान रखना है इरेशनल रहे ए प्लस अंडर रूट बी के टर्म में, या ए माइनस अंडर रूट बी के टर्म में, और ए प्लस माइनस बी आई के टर्म में। इरेशनल में इरेशनल को सेम रखेंगे इस साइड, रेशनल को इधर ले जाएंगे, और इमेजिनरी के केस में रियल टर्म को इधर ले जाएंगे, इमेजिनरी को इधर रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऑलवेज क्वाड्रेटिक आएगा, उससे रिक्वायर्ड थिंग को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमेशा आंसर होगा, रीजन ये है। क्लियर है ना? पक्का ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, इफ अल्फा कोमा बीटा, इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस px माइनस q इज इक्वल टू 0,
If alpha, comma beta are the roots of the equation, if alpha, comma beta are the roots of the equation, x square plus px minus q is equal to 0, and gamma, comma delta, and gamma, comma delta are roots of the equation x square plus px plus r is equal to 0. Gamma, comma delta are the roots of the equation x square plus px plus r is equal to 0. Then find the value of alpha minus gamma into alpha minus delta. Find the value of alpha minus gamma into alpha minus delta. Option A, P plus Q, Q plus R, P minus Q, Q minus R. P plus Q, Q plus R, P minus Q, Q minus R. निकालना अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा. क्लियर है ना? चलिए जल्दी आप लोग ट्राई कीजिए. अरे हो गया क्या? कैसे करेंगे बोलो? एक तो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी, गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर, सॉरी प्लस आर. फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके पुट कर सकते हैं. अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा कम आएगा, आप लोग थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन, सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ? क्या लिखा? अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा. अगर ऐसा ही क्वेश्चन निकाले इसका रूट है गामा डेल्टा, तो मेरा कम हो जाएगा क्या? देखो बोल क्या रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू फैक्टर. इसका क्या होगा? गामा एंड डेल्टा होगा कि नहीं? कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है. क्या लिखेंगे? x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा. बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? अगर यहाँ कोएफिशिएंट 3 आता है क्या लिखते हैं? 3 a, तो a क्या लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. क्लियर ना? क्या लिखे वो क्यों लिखे? तो माइनस गामा डेल्टा है तो ऐसा ही क्वेश्चन लाए. क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा. बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं ना? इसमें क्या पुट करेंगे तो ये आएगा जब पुट कर देंगे अल्फा. पक्का ना? तो क्या लिखेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा. ये तो आइडेंटिटी है, हमेशा सेटिस्फाई करेगा. क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा. बोलो को डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? और अल्फा इसका रूट है महाशय का, तो बोलो क्या होगा यहाँ से? अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करेगा. अल्फा पुट करेंगे क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू इक्वल टू जीरो. बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा बोलो निकाल सकते हैं यहाँ से. कितना होगा बोलो? अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू क्यू. बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? पक्का ना? क्या बन गया? क्यू प्लस आर इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा. बोलो को डाउट है? नहीं ना? दो लाइन में आ गया. तो फैक्टर का इस टाइप में यूज करते हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है क्वेश्चन है कुछ कुछ इसका यूज करेंगे तो दो लाइन में आ जाएगा, ऐसे एक से डेढ़ पेज में जाएगा. क्लियर ना? दिमाग लगाना है कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ सिंप्लीफाई इजिली हो जाएगा. क्लियर? चलो जब तक करोगे नहीं क्वेश्चन, प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कहाँ कैसे यूज करके इसको सिंपल बना सकते हैं. ठीक ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. If A less than B less than C less than D. If A less than B less than C less than D. If
less than b less than c less than d. Then find the nature of roots of the equation if a less than b less than c less than d. Then find the nature of roots of the equation x minus a into x minus b sorry x minus a into x minus c plus 2 into x minus b into x minus d is equal to 0. Find the nature of roots of x minus a into x minus c plus 2 times x minus b into x minus d is equal to 0. First, real and distinct. Second, real and equal. Third, imaginary. Fourth, can't say. Real and distinct, real and equal, imaginary, can't say. Nature of roots of x minus a into x minus c plus 2 into x minus b into x minus d. जल्दी आप लोग सोचो थोड़ा सा. हो गया. बोलो इसमें क्या करेंगे. एक तो आप लोग को दिख रहा है नेचर निकालने के लिए एक यूनिवर्सल मेथड क्या है, डी निकाल के चेक कर सकते हो. मल्टीप्लाई करेंगे डी निकालेंगे, बहुत बड़ा आएगा बच्चा. थोड़ा कुछ और सोचना पड़ेगा. बोलो क्या सोचना पड़ेगा. सोचते हैं क्या सोचना पड़ेगा. इसमें क्या करते हैं, थोड़ा अलग चीज है, ऐसे आप लोग दिमाग नहीं आएगा, एक दो बार किया होना चाहिए. तो देखो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी. इसको क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो. बोलो सबसे राइट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये तो माइनस इन्फिनिटिव है. सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी इन्फिनिटिव. बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या, ऐसा ही ना होगा नंबर लाइन पे, पक्का ना. चलिए अब x इज इक्वल टू ए पुट करके साइन बताइए क्या आएगा. एट x इज इक्वल टू ए बोलिए क्या आएगा, a माइनस ए जीरो प्लस टू इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी. क्लियर ना. बोलो a माइनस बी पॉजिटिव की नेगेटिव, a लेस देन b है ये नेगेटिव हो गया ना, a माइनस डी नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना. बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, a माइनस बी नेगेटिव क्योंकि a लेस देन b है, a माइनस डी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस जीरो पॉजिटिव. बोलो कोई डाउट, a पे कुछ पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है वो मुझे नहीं पता, बट ये ऊपर कहीं कुछ होगा, पक्का ना. वैसे आप फटाफट निकालो b पे c पे d पे. b पे बोलो क्या आएगा, b माइनस ए बी माइनस सी प्लस बी माइनस बी जीरो हुआ कि नहीं, बी माइनस ए पॉजिटिव बी माइनस सी नेगेटिव. बोलो कोई डाउट है, ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव, मतलब नीचे कहीं होगा. अरे होगा ना, पक्का ना. फिर सी पे देख लो एक बार, फर्स्ट टर्म जीरो सेकेंड टर्म सी माइनस बी इंटू सी माइनस डी. बोलो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, c माइनस बी पॉजिटिव c माइनस डी नेगेटिव. क्या आ गया ओवरऑल नेगेटिव, कोई डाउट है क्या. फिर c पे भी क्या आ गया, कहीं ना कहीं नेगेटिव, जो उन्हें इक्वल है कुछ ही वैल्यू हो सकता है. d पे आप लोग जैसे चेक कर लो, d माइनस ए d माइनस सी पॉजिटिव प्लस जीरो. बोलो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा ना. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पक्का. चलो इसको मिटा दें, ये समझ में आ गया आप लोगों को. अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अगर पुट करेंगे x टेंस टू प्लस इनफिनिटी, ग्राफ कौन से स्टार्ट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x का देखो क्या, 1 प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है ना, 3x स्क्वायर प्लस कुछ आएगा x प्लस कुछ इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन है, एक्सप्रेशन में क्या होगा इक्वल टू जीरो हटा देंगे. तो बोलो ये तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताए थे, ट्रिगो में भी
अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड, ए नेगेटिव है ग्राफ डाउनवर्ड। बोलो कोई डाउट है क्या? अपवर्ड का मतलब क्या हुआ? प्लस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इन्फिनिटी पुट करेंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है अपवर्ड, मतलब इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा? दोनों पे लो आएगा माइनस इन्फिनिटी। ऐसे इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी ध्यान रखना है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? थ्री ना, क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी। फिर से इसका साइन लिखते हैं ग्राफ अच्छा से बनाने के लिए। देखो क्या है, एबीसीडी लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी ए बी सी डी, क्लियर ना? प्लस इन्फिनिटी क्या बोले थे? इस पे कुछ प्लस आ रहा है, इस पे कुछ माइनस आ रहा है, इस पे कुछ प्लस आ रहा है, और क्या बोले? इस पे इन्फिनिटी होगा, इस पे इन्फिनिटी होगा, क्लियर ना? बोलो ग्राफ कैसे आएगा? देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, कैसे आएगा प्लस से माइनस? क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना, कहीं ब्रेक नहीं करेगा, तो प्लस से माइनस आ रहा मतलब बीच में कहीं क्रॉस करेगा ना ग्राफ, देखो ऐसा आएगा ना। बोलो का डाउट है इसमें क्या? कैसे सोचिए, स्टार्ट कहाँ से होगा? प्लस इन्फिनिटिव से, और ए पे क्या है? कुछ पॉजिटिव हुआ है, बी पे कुछ नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, तब तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, क्लियर ना? अब नीचे कितना जा रहा है उससे हमको नहीं मतलब है, सिर्फ ये हमको मतलब है कि सी पे अभी तक, सी तक वो नीचे ही है, लेकिन डी पे क्या आ गया? ऊपर आ गया है। ये कब पॉसिबल है? जब सी और डी के बीच में कहीं जीरो हुआ होगा, पक्का ना? देखो क्या हो गया, ये दो पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इसका कितना रूट मिल गया? दो मिल गया। एक रूट क्या होगा? बिटवीन ए एंड बी। दूसरा रूट क्या होगा? बिटवीन सी एंड डी। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? क्वाड्रेटिक था, एक्स को दो पॉइंट पे कट कर दिया, नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका रूट भी बोल सकते हैं, एक रूट होगा बिटवीन ए एंड बी, सेकेंड रूट होगा बिटवीन सी एंड डी। रूट था रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्लियर ना? चलिए ये समझ में आ गया। ऐसे भी साइन देख के भी नेचर बता सकते हैं, रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है। अगर एक बार भी कट नहीं करता, हमेशा सेम साइन होता है, तो बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, क्लियर ना? चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट है ये आप लोग कर लोगे, ऐसे लिख लो। देखो इफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्स प्लस, जितना मैंने लिखते जाओ अप टू इन्फिनिटी। फाइंड एक्स ऑप्शन क्या क्या है? तो -2 -3 2 3 -2 -3 2 3, जल्दी निकालिए आप लोग, एकदम सिंपल है ना, जल्दी। अरे हो गया, बोलो क्या करेंगे? हो गया क्या? सबसे पहले देखो क्या करेंगे, अगर इसको हटा देते हैं, इसको नहीं सॉरी इसको ढक लेते हैं, देखो फिर से एक्स लिखा हुआ है क्या? इन्फिनिटिव टाइम्स है, एक हटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? देखो अभी ये लिखा हुआ अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस, अगर इसको पहले रिमूव कर देते हैं, बोलो कोई चेंज हुआ? वही चीज लिखा हुआ है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, पक्का? देखो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स प्लस, फिर से x आएगा कि नहीं आएगा बोलो? फिर क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स प्लस x, क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, x माइनस थ्री x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो,
क्या आ गया एफ इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस थ्री एन माइनस टू। बोलो आंसर क्या होगा, दोनों होगा ना पक्का। अरे बच्चा अंडर रूट का टर्म कभी निगेटिव होता है, रियल नंबर है ना। देखो सिक्स में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब रूट सिक्स से तो बड़ा ही होगा, रूट सिक्स में समथिंग ऐड हो रहा है, क्या होगा निगेटिव कभी नहीं होगा। निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर करने से क्या होता है रूट इंक्रीज कर जाता है नंबर ऑफ रूट। आंसर क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये अप्रोक्सीमेटली थ्री लिखा हुआ है, एग्जैक्ट थ्री तो नहीं है पर टेंस टू थ्री है, एक्स क्या जाएगा टेंस टू थ्री। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है, आज यहीं तक आने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके थैंक यू।